हेलो बच्चों, आज हम सीखते हैं काम ही काम। यह हमारा नया लेसन है। काम ही काम का मतलब है हम जो भी करते हैं, अभी जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हर वो चीज़ जो हम अपनी लाइफ में करते हैं। सोना भी यहाँ एक काम होता है, आराम करने का। इंसान हमेशा कोई ना कोई काम में लीन होता है, यानी इन्वॉल्व होता है। यहाँ काम ही काम, इसको हम कहते हैं क्रिया। क ई की मात्रा, र र का संयुक्त अक्षर क्री, या क्रिया यानी वर्ब इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स हम कह सकते हैं इसको। यहाँ देखिए, आपको एक जस्ट अ सेकेंड, यहाँ एक कहानी पढ़ेंगे हम। इसमें देखेंगे कि एक लड़की रोटी बनाने के लिए क्या क्या काम करती है। अब इसमें देखेंगे कितने तरह के काम लगते हैं, हम डेली क्या काम करते हैं। इन सबको, जो भी काम करने वाले शब्द होते हैं, उनको रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको पढ़ते जाऊंगी, आप समझते जाइए। झुमकी, यहाँ इस लड़की का नाम है झुमकी। झुमकी को गेहूं के कुछ दाने मिले। झुमकी को रास्ते में जाते हुए कोई गेहूं के दाने मिले, मिलना क्रिया है, यानी काम वाला शब्द है। झुमकी ने क्यारी बनाई, यानी फील्ड के जैसा खोद के मिट्टी को नरम करके जहाँ पे गेहूं को गाड़ सकते हैं, वैसे गेहूं को बो सकते हैं या गड्ढे में डाल सकते हैं, क्यारी बनाई। नेक्स्ट, क्यारी में गेहूं के दाने को बो दिया, बोना यानी दाने को अंदर डालना मिट्टी में। फिर क्यारी में पानी दिया, उस कैरी को यानी उस फील्ड को उन्होंने पानी दिया। दानों से छोटे छोटे पौधे निकलने पर खाद डाली। जब वो स्प्राउट्स निकलने लगे, छोटे छोटे प्लांट में बदलने लगे, उनके लिए उन्होंने फर्टिलाइजर्स डाली। दिन रात पौधों की देखभाल करना। गेहूं के फसल पकने पर उसे काटा। जब गेहूं की फसल बड़े हो गए, उनको उन्होंने काटा। गेहूं के दानों को भूसे से अलग किया। जो निकाले हुए गेहूं के दाने थे, उनको भूसा यानी उनके ऊपर जो एक छिलका होता है, उसको पील ऑफ किया, यानी भूसे को अलग किया। उसके बाद गेहूं के दानों को पीसा। इस पेज में देखिए, मिला, बनाई, बो दिया, दिया, डाली, देखभाल की, काटा, अलग किया, पीसा, यह क्रिया शब्द है, यानी काम वाले शब्द है। आटे को गूंधा, जब आटे को उन्होंने गेहूं को दानों को पीसा, तो वह आटा बन गया। उसी आटे को उन्होंने गूंधा। चूल्हा जलाया, चूल्हे पर तवा रखा। गूंधा, जलाया, तवे को रखना, तवा यहाँ पे क्रिया शब्द नहीं है, नाम वाला शब्द, उसको चूल्हे पे रखना काम हुआ है। गूंधे हुए आटों से लोई बनाना। लोई यानी जैसे कि आप, मैं कहूँ तो पेड़ा बनाना या लड्डू बनाना, या गोल आटे को गोल तरीके से बनाना, गोल बनाना लड्डू की तरह, उसको लोई बनाना कहते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, लोई को चकले पर बेलना, यानी लोई को चकले पर बेलना, आटे का जो चकला होता है उस पर रख के लोई को बेल के रोटी बनाना। रोटी को गरम तवे पर रखा। रोटी को अच्छी तरह सेका। गरम गरम रोटी पर घी लगाया। सेकने के बाद जो रोटी गरम होती है, उसके ऊपर उन्होंने घी लगाया। बड़े मज़े से गुड़ के साथ रोटी खाई। यहाँ देखिए, गूंधा, जलाया, रखा, बनाई, बेला, रखा, सेका, लगाया,
खाई। देखो बच्चों, रोटी खाने के लिए झुमकी को कितने सारे काम करने पड़े। पहले मिले हुए गेहूं को कैरी में कैरी बनाना पड़ा, कैरी में डालना पड़ा, डालने के बाद पानी देनी पड़ी। जब उसके स्प्राउट्स निकल गए थे, पौधे निकल गए थे, उनको खाद देनी पड़ी, देखभाल करनी पड़ी। उसके बाद जब फसल बढ़ गई, उसकी फसल को काटना पड़ा, काट के गेहूं को दाने से भूसे को अलग करना पड़ा और गेहूं को दानों को पीसना पड़ा। उसके बाद उस पीसे हुए गेहूं के से जो आटा बनाया गूंदना पड़ा, चूल्हा जलाना पड़ा, चूल्हे पे तवा रखना पड़ा, तवे के बाद लोई बना के आटे की बेलनी पड़ी रोटी को। उसके बाद नेक्स्ट रोटी को तवे पर, गरम तवे पर सेकना पड़ा। सेकने के बाद घी लगाकर बाद में गुड़ के साथ उन्होंने मज़े से खा लिया। एक रोटी बनाने के लिए उनको इतना सारा काम करना पड़ा। ऐसे ही हम हमेशा किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे पेन लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये भी एक क्रिया है। आप सुन रहे हो, सुनना भी एक क्रिया होती है बच्चों। इसके अलावा चलिए और देखते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है। झुमकी अगर दुकान से आटा लाई, अब उसे रोटी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ना कि अभी उनको गेहूँ उगा के नहीं बनाना है, दुकान से उन्होंने ऑलरेडी आटा लाया, रेडी आटा, आशीर्वाद समझ लीजिए, आशीर्वाद आटा लेके आई। तो अब उनको क्या करना है, आटा गूंदने के बाद क्या करना पड़ेगा, चूल्हा जलाना, ल और ह संयुक्त व्यंजन है, चूल्हा चूल्हा जलाना। उसके बाद इस चूल्हे पर तवा रखना, हम चूल्हे पर तवा रखे इतनी व्याख्या का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जानते हो कि वहाँ पे स्पेस कम है। उसके बाद लोई बनाना, आटे की लोई बनाना, आटे की लोई बनाना। उसके बाद क्या है, लोई को बेला, लोई को बेला, ल ओ की मात्रा ई बड़ी वाली लोई, क ओ की मात्रा को, ब ए की मात्रा बे, ल आ की मात्रा ला, लोई को बेला। उसके बाद क्या करना है, लोई को बेलने के बाद लोई को तवे पर डाला, रोटी को, लोई को जब बेलते हैं तो क्या बनता है, र ओ की मात्रा रो, ट ई की मात्रा टी, रोटी, बड़ी ई की मात्रा है तो थोड़ा स्ट्रेस डालने के बाद बोलना है, रोटी, त व को ए की मात्रा तवे, प र पर रखा, रोटी को तवे पर रखा। रोटी को तवे पर रखने से क्या हो जाती है, रोटी सिक जाती है, रोटी को सेका। सिर्फ तवे पर रख के ऐसे ही छोड़ दोगे तो जल जाएगी बच्चों, इसीलिए रोटी को सेकना भी ज़रूरी है। क ओ की मात्रा को स ए से का, रोटी को सेका। रोटी को सेकने के बाद रोटी पर घी लगाना होता है। उसके बाद उसको क्या किया, घी लगाया। यहाँ इनको इतना काम करना पड़ा। अगर बाज़ार से ऑलरेडी पिसा हुआ आटा अगर वो लाते हैं दुकान से या बाज़ार से, तो आटे को गूंदना, चूल्हा जलाना, तवा रखना, आटे की लोई बनाना, लोई को बेला, रोटी तवे पर रखा, रोटी को बेलने के बाद रोटी बन जाती है, रोटी को तवे पर रखा, रोटी को सेका, घी लगाया, यह इतने काम करने पड़ते हैं बच्चों। चलिए अब आपका, आपकी बारी है। जस्ट अ सेकेंड, द वीडियो इज़ नॉट क्लियर। ओके, तुम्हें आलू की सब्ज़ी खाना अच्छा लगता है। होपफुली सब बच्चों को
खाना अच्छा लगता, खाना आलू की सब्जी खाना अच्छा लगता है। दोबारा पढ़ते हैं। तुम्हें आलू की सब्जी खाना अच्छा लगता है ना, लेकिन आलू की सब्जी बनाने के लिए मम्मी को कितने सारे काम करने पड़ते हैं आपको पता है? नहीं, चलिए देखते हैं। अगर पता नहीं है तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ काम करना है। जैसे कि गलती से सारे जो मम्मी को काम करने पड़ते हैं यहाँ उल्टे पुल्टे हो गए। हमें इन्हें सीरियल वाइज यानी क्रमांक से लिखना है। इसके लिए तुम्हें अपने मम्मी की मदद भी लेनी पड़ सकती है। ज़रूर लेंगे। चलिए देखते हैं। वैसे भी आपका वर्क कराने में मम्मी पापा का सहयोग बहुत है। हमें जो भी आपका होमवर्क हमें मिल पा रहा है वो आपके मम्मी पापा के सहयोग की तरफ से, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब फिर से आप अपनी मम्मी की मदद से या पापा की मदद से पता कीजिए कि कैसे आलू की सब्ज़ी बनती है। देखिए, गैस पर कढ़ाई चढ़ाई, बाज़ार से आलू लाई, आलू धोए, आलू काटे, आलू छिले, कढ़ाई में घी जीरा डाला, आलूओं को अच्छी तरह भुना, कटे हुए आलू को कढ़ाई में डाला, आलू में मसाले डाले, गैस बंद कर दी। थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया सिवाय लास्ट का। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे अरेंज करते हैं। पहले वाला बा ज के नीचे बिंदु, जिससे ज को ज का प्रोनाउंसिएशन आएगा, जार, बाजार से आ ल उ, आलू लाई। पहले हम बाजार से आलू लाएंगे, उसके बाद आलू को क्या करेंगे, अच्छे से साफ करेंगे यानी आलू को धोएंगे। आलू धोए, थर्ड वन, धोए हुए आलूओं को क्या करेंगे, छिलेंगे, इसका पील ऑफ करेंगे। आलू छ की मात्र छी ले छिले। अभी बाकी का आपको करना है मैं एक बार बता देती हूँ। पहले हम बाजार से आलू लाएंगे, बाकी आपको करना है। बच्चों मैं पूरा करके नहीं बताऊंगी, आपको भी कुछ काम करना है। या तो एक काम करती हूँ, इसको पूरा कर देती हूँ, अगला पेज वाला आप काम कर लीजिए सीक्वेंस में। आलू को छिले, उसके बाद आलू काटे, गैस पर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में घी जीरा डाला, कटे आलू की आलू को कढ़ाई में डाले, आलूओं में मसाले डाले, आलूओं को अच्छी तरह भुना, गैस बंद कर दी। एक गड़बड़ हो गई। कटे आलू को कढ़ाई में डाले, आलूओं को अच्छी तरह भुना, आलू में मसाले डाले। अभी सही हो गया। एक दोबारा एक बार बोलती हूँ, सुनिए बच्चों। बाजार से आलू लाई, आलू धुले, आलू छिले, आलू काटे, गैस पर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में घी जीरा डाला, कटे आलू को कढ़ाई में डाले, आलूओं को अच्छी तरह भुना, आलूओं में मसाले डाले और गैस बंद कर दी। यह एक पूरा प्रोसीजर है कैसे आलू की सब्ज़ी मम्मी ने बनाई। आपको एक और बार मम्मी की हेल्प लेना है। मैंने 3 लिखे हैं, आपको बाकी पूरे 7 और लिखने हैं। यह आपका टेक्स्ट बुक होमवर्क है, इसी बुक में आपको होमवर्क लिखना है। इसके अलावा देखिए बेटों, घर में कौन क्या करता है, सबके दो दो काम लिखिए। जैसे कि पापा क्या क्या काम करते हैं, मम्मी क्या क्या काम करते हैं। मम्मी तो बहुत सारा काम करते हैं, साथ में पापा भी करते हैं जिसको हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन आपको देखना है घर में पापा क्या क्या काम करते हैं, ना कि ऑफिस में। भाई या बहन है तो लिखिएगा कि वह क्या काम करते हैं। मैं क्या काम करती हूँ यानी आप क्या काम करते हो। यहाँ पे देखिए, चित्र देखो और बताओ कि कौन क्या है और क्या क्या काम करते हैं। यह पेज का भी मैं आपको 2 बताऊंगी, बाकी 2 आपको करने होंगे। यह है पुलिस, प छोटी यू की मात्रा पु, ल को छोटी ई की मात्रा ली, स प
पुलिस है यहाँ पर। पुलिस का क्या काम है? चोर पकड़ना, चोर को पकड़ना पुलिस का काम है। यहाँ है डाकिया, डाकिया डाक लाता है। ड आ की मात्रा डाक, क को छोटी की मात्रा की, या डाकिया। डाकिया का काम होता है पत्र बांटना, पत्र बांटना। बा ऐसे शब्दों पर चंद्र बिंदु आता है बच्चों, जहाँ पे हम नाक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपका ये पहला वाला होमवर्क हो गया, ये दूसरा वाला होमवर्क हो गया, और यह दोनों तीसरा वाला होमवर्क हो गया। आई होप आपको समझ आया है। हम जिंदगी में हर एक लोग काम करते हैं, पेन पकड़ना, पकड़ना भी यहाँ एक काम है, पेन को छोड़ना, छोड़ना, पकड़ना, बात करना, सोना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, यह सारे काम होते हैं। इंसान 24/7 कोई ना कोई काम में बिजी रहता है। बैठना, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना, हर सारे। हम अगले क्लास में इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। हैव अ गुड डे।